नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनए 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। हजारीबाग जिले के बड़का गांव वन विभाग की टीम ने रेंजर छोटेलाल साहू के नेतृत्व में 3 टन कोयला लदा पिकअप वाहन को जब्त किया है। इस संदर्भ में रेंजर छोटेलाल साहू ने कहा कि बड़का गांव वन क्षेत्र अंतर्गत रूडी जंगल में अवैध रूप कोयला खनन होने की सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार एक टीम गठित कर गश्ती के साथ रूडी जंगल में छापेमारी के लिए पहुंचे तो देखा गया कि एक पिकअप वैन, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH02BA4550 है, लगभग 3 टन कोयला लोड किया था। सामने जाते ही चालाक पिकअप वाहन को हजारीबाग की ओर भागने लगा। हमारे गश्ती दल के टीम के द्वारा हजारीबाग बड़का गांव रोड के पथा चौक में पीछा कर पकड़ा गया। पिकअप और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक के पूछे जाने पर बताया कि वाहन मालिक पवन महतो इचाक थाना क्षेत्र नगवा गांव निवासी है। वन विभाग द्वारा खनिज पदार्थ के काला कारोबार संचालकों के ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। छापेमारी दल में शामिल भोला साहू, भूपेंद्र कुमार, अजय जाधव, मनोरंजन कुमार, कृष्ण महतो आदि शामिल थे। अभी हम बड़का गांव वन क्षेत्र कार्यालय में उपस्थित हैं और एक यहां पिकअप वैन को आज कोयला लदे। एक बहुत बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई है और एक पिकअप वैन को जो है जब्त करके अपना रेंज ऑफिस में लाया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? कल रात में गुप्त सूचना मिली कि रूडी जंगल में कोयला का अवैध खनन हो रहा था और छोटी गाड़ियों से उसको हजारीबाग की ओर भेजा जा रहा है। उस सूचना के आधार पर हम रूडी जंगल गए, वहाँ हमने देखे कि वहाँ एक पिकअप वाहन है, उस पर आधा से ज़्यादा लोड था, अंतिम मैंने लोड होना था, लोड करके चालू कर रहा था। हम लोग को देखते ही टीम में हम लोग थे, टीम को देखते ही भागने में तेज़ी से भागने लगा। भागते भागते जब उठ गया, उसको पीछा करते करते हम पहुँचे पता तो ओवरटेक करके उसको पकड़ लिया गया। पकड़ करके चालक के साथ उसको वन क्षेत्र कार्यालय लाए, उसको सीज कर दिए और अभियुक्त को जो चालक था उसको हाजत में रखे, अभी उसको जेल हाजत में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका मालिक का क्या नाम है सर, कुछ बताएंगे? चालक से पूछताछ करने पर पता चला कि इसका मालिक का नाम पवन मेहता है, जो नगवा निवासी है। सर, कोयला जहाँ से उठाई जा रही थी वहाँ पर कोई अवैध खनन या अवैध खदान होगा, उस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे सर? वहाँ हमने देखा कि कुछ अवैध खनन के निशान मिले और उस पर कार्रवाई की जा रही है कि बोझनी किया जाएगा और भविष्य में किसी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं हो, इसके लिए वन विभाग की संकल्प है और हमारा टीम इसके लिए जागरूक है और तत्परता से उसको बोझनी कर करके उसको रोकथाम कर लिया जाएगा। धन्यवाद। हजारीबाग से INN 24 अशोक कुमार की रिपोर्ट।